हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मुल्क शाम गए, ये भी मुल्क शाम में थे। जनाब उमर फारूक के मिजाज में जलाल था। आपने कुछ लोगों को देखा जिन्होंने जर्क बर्क लिबास पहन लिए, बड़े बड़े आलीशान बंगले बना लिए, बड़े बड़े घरों में रहने लगे। तो हज़रत उमर को इतना जलाल आया कि जमीन पर उतर के ना संगरेजे उठा के तो लोगों को मारते थे। फरमाते थे इतनी जल्दी हुजूर की तालीम भूल गए और तुमने अजमियों के तरीके अपना लिए। इतनी तकलीफ के साथ हजरत उमर गुफ्तगू करते, लेकिन हजरत अबू उबैदा से मिलते तो फरमाते यार थोड़ी रोटी भी खाया कर, कभी तू भी कपड़े बदल लिया कर। इतना फकर, इतनी सादगी। अव्वलीन लोगों में से जिनके लिए लोग मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन बनाने की बातें कर रहे हैं। हजरत उमर मिलने गए तो किसी चटाई के टुकड़े की तय दो तीन लगा के घोड़े पे उसको रख लिया जाता था सवारी करने के लिए ताकि पसीना ना आए। उसी को उतार के ना तो सराहना बना के बैठे लेटे हुए जमीन पे हजरत उमर मिलने गए। तो हजरत उमर एक फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी अपने साथ जमीन पे बिठा लिया। तो हजरत उमर फरमाने लगे मैंने तो रोटी खानी है तुझसे, दोस्त है मेरा खाना खिला। तो कहने लगे खिलाते हैं ना, खिलाना क्यों नहीं, ये भी लोग थे, इसी धरती पे रहते थे। इन लोगों को ना किसी चीज ने अपने कब्जे में नहीं लिया, ना औरतों की बातें इन्हें बहला सकी, ना बच्चों की ख्वाहिशात के हत्थे चढ़े, ना जमाने की तेज दौड़ में शामिल हुए, ना किसी कहानी का हिस्सा बने, ना लोगों की ये बातें कि दौर बदल गया, कोई चीज है भी नहीं हुई। इसलिए कि इन्होंने फकीरी मदीने वाले महबूब से सीखी थी। फकर मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम से सीखा था, फकर ताजा था, जहन वसी था। हजरत सैयदना उमर ने कहा रोटी खानी है तो थैले में हाथ डाला, दो खुश्क टुकड़े रोटी के निकाले और फरमाया खा ले। तो हजरत उमर ने पकड़ के मुंह में रखे, चबाए और जनाब उमर रो पड़े। फरमाने लगे हर बंदे को दुनिया ने अपने कब्जे में कर लिया है, लेकिन अबू उबैदा तो आज भी बचा हुआ है। दुनिया तुझे अपने जाल में फंसा नहीं सकी, तू काबू नहीं आया, तू आज भी अपनी जगह पे कायम है। तू वहीं खड़ा है जहां मदीने वाले महबूब ने हमें खड़ा किया था, तू वहीं खड़ा है यार।